श्री राधे राधे। भक्तों, जिन भाग्यशाली व्यक्ति के हृदय में भगवान की भक्ति प्रकट हो जाती है, भक्ति माता की कृपा पात्र, भक्ति माता की कृपा का रस जिसको प्राप्त होने लग जाता है, उसको बड़े बड़े दुख भी विचलित नहीं कर पाते। सुख में भी वो मतवाला नहीं होता है और दुख में भी वो विचलित नहीं होता है। और बड़े से बड़े संकट में भी ठाकुर जी उसकी सहायता करते रहते हैं, उसकी संभाल करते रहते हैं। आज आपको एक ऐसी चरित्रावली में सुनाने जा रहा हूं जिसमें संसार की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत अधिक सुख था, किंतु समय ने करवट ऐसा बदला कि भारी से भारी दुख भी आए, किंतु प्रभु की भक्ति नहीं छोड़ा भक्त ने और भगवान उसकी संभाल करते रहे। ऐसे थे महान भक्त, भक्त श्री रघुनाथ जी, जिनकी चरितावली आप सुनने जा रहे हैं, जिसे आजकल हम बंगाल कहते हैं, कोई पश्चिमी बंगाल कहता है, प्राचीन काल में बंगदेश भी कहा जाता था। उसी के हरिपुर नगर में कृष्णचंद्र महापात्र का वैभव देखने योग्य था। सांसारिक सुख सुविधा की ऐसी कौन सी वस्तु जो उनके पास नहीं थी, अर्थात सब कुछ भरा हुआ था। धन धान्य, हाथी घोड़े, बाग बगीचे, मुनीम गुमास्ते, नौकर चाकर, सभी कुछ था। और कमल मुखी पत्नी, धन धान्य के साथ साथ, ये सारी सुविधाओं के साथ साथ कमल मुखी जो पत्नी थी उसका नाम था कमला, तो उनका जो बहुत ऊंचा भवन, बहुत सुंदर राजप्रासाद जैसा लगता था, उसमें वो सुशोभित थी। और उनका देवालय स्तुति गीत की मंगल ध्वनि से सदा परिपूरित रहता था। अतिथिशाला अतिथि अभ्यागतों के कल कल स्वर से सदा मुखरित थे। तीर्थयात्री लोग आकर के विश्राम पाते थे और उनकी सेवा की जाती थी। बंगदेश में दूर दूर तक उनका यश प्रचारित था। यदि अभाव था तो केवल एक ही, कि उनके कोई पुत्र नहीं था। और ये कृष्णचंद्र महापात्र, जिनकी बात मैं आपको सुना रहा हूं, जो बंगाल के हरिपुर में रहते थे, भगवान की इच्छा से उनकी वो भी इच्छा, वो कमी भी पूर्ति हो गई। और कमला ने शुभ लग्न में एक अति सुंदर पुत्र रत्न को जन्म दिया। कृष्णचंद्र महापात्र ने दोनों हाथों से धन लुटाना प्रारंभ किया। आनंद वाद्य और दाता की जय जयकार से घर गूंज गया। कमला शिशु का मुख चंद्र बार बार चूम करके मनी मन कहने लगी, संसार में हमारे बराबर सुखी कौन है, प्रभु आपकी कृपा बहुत है। लोग कहते हैं संसार में सुख नहीं है, सुख स्वर्ग में है, वहां अमृत है, पारिजात है, पर आपकी कृपा से प्रभु स्वर्ग के अमृत में संजीवनी शक्ति कहाँ है जो आपने यहाँ हमको दे रखी है। इतना सुंदर शिशु आपने दिया है, स्वर्ग के पारिजात में वो सौरभ कहाँ है जो इसके अंग में है। बस माता पिता तो आनंद में जैसे निमज्जित हो रहे थे, डूब रहे थे, उतरा रहे थे आनंद के सिंधु में।
इतना प्रिय बच्चा उनको भगवान ने इतना प्रिय शिशु प्रदान किया था। और कुल पुरोहित के निर्देशानुसार शिशु का नाम रखा गया रघुनाथ। अब आपने समझ लिया कितने धनवान के घर में जन्म हुआ था रघुनाथ का, बहुत धनवान के घर में जन्म हुआ। और ज्योतिषी ने जन्म कुंडली देखकर कहा शिशु एक महान भक्त होगा। और ज्यों ज्यों शिशु बड़ा होने लगा, भक्ति के लक्षण उसमें प्रकट होने लगे, प्रकाशित होने लगे। वो जब भागने दौड़ने योग्य हुआ तो अवसर पाते ही भाग करके मंदिर में जाता था और कभी ठाकुर को दंडवत करता, पहुंचते ही चरणों में दंडवत कर, छोटा सा बच्चा दंडवत करता, कभी तुलसी ये गमलों की परिक्रमा करता, दोनों भुजाएं उठा करके ठाकुर के सामने नृत्य करता, कीर्तन भी धीरे धीरे बोलने की कोशिश करता, बिल्कुल छोटा सा बच्चा। और यौवन में पदार्पण करने पर तो महाराज रघुनाथ का विवाह मध्य बंगाल के कलावतीपुर के कुबेर के समान धनवान गंगाधर करण की परम रूपवती और भक्तिमती कन्या अन्नपूर्णा से कर दिया गया। और पुत्र वधु के घर आते ही कृष्णचंद्र का मुख, जो अब तक भगवान की भक्ति से था, चमक रहा, वो देख करके, उसके भक्ति पूर्ण मुख को देख करके उसकी पत्नी भी बड़ी प्रसन्न हुई कि लगता है कि हमारे पति देव बहुत भक्त हैं। और वो भी आनंदित हुई सुख वैभव देखकर, अपने पति की सुंदरता और शांति देखकर। महाराज लेकिन काल की गति कोई नहीं जानता। कुछ ही दिन बाद कृष्णचंद्र के घर में सुख चंद्रिका का ह्रास होना शुरू हुआ और काल की कालिमा का विस्तार होने लगा। कई वर्ष तक वृष्टि न होने के कारण उनकी जमींदारी में अकाल पड़ गया। और अपने सम्मान की सुरक्षा के लिए उन्हें प्रजा की आवश्यकताओं की पूर्ति अपने खजाने से करनी पड़ी। धीरे धीरे खजाना खाली होने लगा और खाली होते होते खजाना खाली हो गया और ऊपर से कर्ज और हो गए। और चिंता के कारण कृष्णचंद्र का स्वास्थ्य भंग हो गया। नाना प्रकार की व्याधियों ने उन्हें घेरा और अंतकाल निकट जानकर के उन्होंने अपने पुत्र से कहा बेटा अब मैं तो चला, मेरा स्वास्थ्य खत्म हो गया, प्रारब्ध भी पूर्ण हो रहा, अब जाने का समय आ गया मेरा। मेरी एक बात का ध्यान रखना, ऋण महापाप होता है, उसे शोध करने का भरतक उपाय करना बेटा, और प्रभु तुम्हारा मंगल करेंगे। इतना कहकर के उन्होंने तो आंखें बंद कर ली। और कुछ ही दिन बाद कमला ने भी उनका अनुगमन किया। अब तो रघुनाथ के ऊपर जैसे आकाश ही टूट पड़ा, जिनका देना था उन्होंने रघुनाथ का मांस नोचना जैसे आरंभ कर दिया। चारों तरफ से वे लोग आने लगे, परेशान करने लगे, जिनका जिन जिनका लिया था पैसा कर्ज में। पिताजी ने सब लिया था, बेटे को देना शुरू करना पड़ा। अब बेटा कहां से देखा जाने तो खत्म हो गया। रघुनाथ के ससुरालय के लोग बड़े आदमी तो थे लेकिन बड़े कृपण थे, उन्होंने रघुनाथ की अवस्था पर कोई ध्यान नहीं दिया। और रघुनाथ भी उनके आगे हाथ फैलाते नहीं थे क्योंकि उनको पता था कि कृपण व्यक्ति के सामने हाथ फैलाने से कोई फायदा नहीं होता। वो विवाह के बाद कभी उनके घर झांका भी नहीं उनके ससुराल के लोगों ने।
और जिसका आंतरिक संबंध उससे न हो तो कौन उसके पास मिलता है प्रेम से? जिसका आंतरिक संबंध उससे हो, जिससे बड़ा और कोई नहीं है, वो संसार के किसी बड़े आदमी की अपेक्षा रखे तो क्यों रखे? रघुनाथ के पास जो भी जमीन जायदाद थी उसे दे करके उसने ऋण शोध कर दिया, सब कर्ज से मुक्ति पा लिया, सब जमीन बेच करके। और ससुराल से जो धन संपत्ति मिली थी उसे पुजारी को दे करके और देवालय की सेवा की और उसकी सारी व्यवस्था की, और महाराज पुजारी को खूब धन दिया जमीन बेच बेच करके, मंदिर की संभाल के लिए सब इंतजाम किया। अब उनके पास कुछ नहीं था, रघुनाथ के पास। अब फिर भिक्षुक का वेश धारण करके घर से निकल पड़े और सोचने लगा कि कहां जाऊं क्या करूं। उसने सोचा कि सब जीवों के आश्रय स्वरूप भुक्ति मुक्ति दाता दीन बंधु नीलाचल नाथ भगवान जगन्नाथ हैं। शंख चक्र गदा पद्म लिए नीलाचल में जो विराजमान है उनके पास जाकर के अपनी व्यथा की सब बात कहूं और निश्चिंत हो जाऊं कि उन्हें जो करना होगा करेंगे। महाराज रघुनाथ तो नीलाचल चले गए और जगत बंधु प्रभु के दर्शन करके हाथ जोड़ करके बोले, प्रभु मेरे माता पिता दोनों मर गए, मुझे अनाथ कर गए हैं, आज रघु आपका आरक्षित हो गया है। इच्छा है तुम्हारे चरणों की शरण लेने की, पर प्रभु तुम्हारी इच्छा ही तो इच्छा है, तुम्हारी जो इच्छा हो वही करो, केवल जान रखो कि मैं तुम्हारा कृत दास हो चुका हूं, आपके अलावा मेरा कोई नहीं। रघु को ऐसा लगा जैसे उसके कान में गूंज गए भगवान के शब्द, रघुनाथ मैंने तुम्हें किंकर के रूप में स्वीकार किया, बेटा भय नहीं करो, यही महाप्रसाद ग्रहण करो और आनंद से विचरण करो। और रघुनाथ की जो पत्नी थी भक्तों अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा अपने पिता की अकेली बेटी थी, सात भाइयों के बीच एक बहन थी, इसलिए सबकी बड़ी लाडली थी। और रघुनाथ अपनी पत्नी और ससुरालय के लोगों को बिना खबर दिए घर से निकल करके आए थे, और जब ससुराल में समाचार पहुंचा तो गंगाधर ने अपनी स्त्री और सातों बेटों को मंत्रणा करते हुए कहा कि जमाई के भिक्षुक बन जाने से समाज में हमारा सिर जितना नीचा होना था हो गया, अब उस जमाई का हमें नाम भी नहीं लेना, उसने बाप का सारा धन लुटा दिया, हमने दहेज में जो धन संपत्ति दी थी उसे भी फूंक दिया, ऐसे जमाई के साथ क्या हमारी लड़की सुख से रह पाएगी? उसे भी जब चाहेगा फूंक देगा वो, हम अन्नपूर्णा का दूसरा विवाह करके उसकी रक्षा करेंगे। और महाराज सबने इससे सहमति प्रकट की, भाई लोग भी यही बात करने लगे जो पिताजी कह रहे हैं सही है, बहन हमारी भिखारी की पत्नी बन के थोड़े रहेगी, यही सबका विचार। और महाराज वर की खोज भी होने लगी और उस राज्य के मंत्री बसु महापात्र के पुत्र से संबंध का प्रस्ताव भी किया गया। मंत्री पुत्र दुराचारी और अधर्मी था जिससे विवाह का प्रस्ताव हो रहा, और रूपवती अन्नपूर्णा पर इतना मोहित था कि इसकी विवाहिता होने पर भी उससे विवाह करने को तैयार हो गया। अब भक्तों ठीक से समझते चलिए इस अद्भुत चरित्र को, कि रघुनाथ तो अपनी पत्नी घर संपत्ति, अब संपत्ति जो क्या सब बेच बाज करके कर्जा
चुकता किया और मंदिर जो था उसके पुजारी के लिए सारा इंतजाम किया और जगन्नाथपुर चला गया। अब उसकी पत्नी जो रघुनाथ की थी अन्नपूर्णा, वो तो माता पिता के पास है, उसको पता नहीं था कि हमारे पतिदेव चले गए जगन्नाथपुरी और भिखारी होकर के चले गए, उसको नहीं मालूम था। और उसके दूसरे विवाह की चर्चा हो रही है और वहां के मंत्री पुत्र से विवाह होने की बात भी चल पड़ी। और वो मंत्री का जो पुत्र था इतना दुष्ट था कि उसका विवाह हो चुका था, विवाह होने के बाद भी विवाह करने को तैयार था। और फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष पंचमी के दिन विवाह की तिथि निर्धारित की गई। और अन्नपूर्णा को जब इसका पता चला भाई लोगों से, पिता से, तो उसके दुख का अंत नहीं, वो दिन रात रोती रहती है और मन ही मन प्रभु से प्रार्थना करती है, हे प्रभु तुम अंतर्यामी हो, जानते हो कि मैं सती हूं और मेरे मन में मेरे पति एक ही मात्र केवल जो हैं रघुनाथ, तो वही है, दूसरा कोई नहीं, और मैं अपने धर्म से हटना नहीं चाहती, मैं अपने धर्म पर ही डिग नहीं सकती, धर्म से वहीं पर टिकी रहूंगी, मेरे प्राणनाथ के जीवित रहते मेरा दूसरे से विवाह होगा, इससे तो अच्छा होगा कि आत्महत्या कर लूं। प्रभु तुमने गजेंद्र की प्राण रक्षा की, द्रौपदी की लज्जा रक्षा की, मेरे सतीत्व की रक्षा, मेरे सतीत्व की रक्षा भी आप ही करो, ये भी तुम्हारे हाथ में एक कार्य है, आप ही अपने हाथ से मेरे सतीत्व की रक्षा करिए, दया करिए प्रभु। महाराज पिता को और भाइयों को इसके दुख का पता नहीं था, वो लोग तो बड़ी खुशी मना रहे हैं कि मेरी बेटी का और मेरे भाई मेरी बहन का शादी विवाह होने जा रहा, अच्छी जगह, भिखारी से पिंड छूटेगा, एक धनवान मंत्री पुत्र से शादी होगी, ये लोग खुश हो रहे हैं। और वो बेचारी रो रही है कि मेरा धर्म नष्ट होने वाला है। अन्नपूर्णा रात दिन रोती रहती है, भगवान से प्रार्थना करती रहती है और अपने दुख की बात और किससे कहती, किसी से नहीं कहती, बस भगवान से ही कहती रहती। घर की एक पुरानी परिचारिका थी जिसने उसे शैशव से ही देखा था, केवल देखा ही नहीं था, उस परिचारिका ने इसको पाला भी था अन्नपूर्णा को, इसलिए वो धाई माँ कहती थी उसको, धाई माँ, उसी से कभी कभी अपने मन की बात कह लिया करती थी। उससे मंत्रणा करके उसने उसके द्वारा नीलाचल जाने वाले कुछ लोगों के साथ पतिदेव को पत्र भिजवाया जिसमें लिखा, प्राणनाथ तुम मुझे छोड़ करके चले गए, तुम्हारी इच्छा, मैंने तुम्हारा वियोग सहन किया, पर अब आगामी फाल्गुन मास की पंचमी तिथि को राजमंत्री के पुत्र से मेरा दूसरा विवाह होने जा रहा है, उसे कैसे सहन करूंगी मैं, दासी पर दया करके शीघ्र आकर के इस विवाह से मेरी रक्षा करो, नहीं तो मैं आत्महत्या करके अपने सतीत्व की रक्षा स्वयं करूंगी और तुम्हें स्त्री हत्या का पाप नहीं लगेगा, किंतु तुम सुन करके भी नहीं आओगे तब पाप लगेगा, यदि तुमको पता नहीं चला और नहीं आए तब तो पाप नहीं लगेगा, लेकिन ये तुमने पत्र सुना, पत्र पढ़ लिया और तुमको पता चल गया कि तुम्हारी पत्नी मैं इस तरह से मरने जा रही हूं, तब तुमको पाप लग जाएगा। और महाराज ये पत्र रघुनाथ के हाथ में पहुंच गया और जब उन्होंने सुन लिया तब सोचा कि निश्चित ही मुझको पाप लग जाएगा, क्योंकि पत्नी ने अपनी रक्षा के लिए मुझको पुकारा है।
अब मेरी पत्नी ने मुझे को पुकारा है और मैं उसका पति होकर नहीं उसकी रक्षा करूं तो पाप तो मुझे लगना ही लगना, मेरा कर्तव्य है उसकी रक्षा करना। और पत्र पढ़कर रघु चिंतित हो गए। उन्होंने सोचा कि फाल्गुन शुक्ला पंचमी के केवल 10 दिन बाकी हैं और कलावती पुर का मार्ग 1 मास से कम का नहीं है और उनका निश्चित तिथि तक वहां पहुंचना असंभव है। न पहुंचने पर प्रिया का आत्महत्या कर लेना निश्चित है। इस चिंता में डूबे रघुनाथ गए चिंतारण जगन्नाथ देव के सम्मुख और कातर स्वर से प्रार्थना करते हुए गिर रहे प्रभु के चरणों में और आंखों से आंसू गिर रहे हैं और कह रहे हैं, हे चक्रपाणि प्रभु, हे चिंतार्थी जन चिंतामणि, हे वांछक कल्पतरु, हे कृपा के महामेरु, तुम भृत्य की कामना पूर्ति के लिए कामधेन के स्वरूप हो, उसकी विपत्ति को नष्ट करने के लिए सूर्य के समान हो, मेरा संकट दूर करो, तुम्हारे सिवा मेरा कौन है प्रभु। इस तरह से रघुनाथ भगवान से विनती कर रहे हैं। इस प्रकार जगन्नाथ जी से अपना दुख निवेदन करके रघुनाथ सिंह द्वार पर जाकर के एक कोने में लेट गए और जगन्नाथ जी का ध्यान करते करते सो गए। भगवान जगन्नाथ का ध्यान करते करते सो गए। जगन्नाथ सेवक की व्यथा देख स्वयं व्यथित हो पड़े और रात्रि में ही बेताल को बुला करके बोले, जाओ शीघ्र जाओ, सिंह द्वार पर मेरा भक्त रघु सो रहा है, उसे ले जाकर के कलावतीपुर में गंगाधर कर्ण के घर के सामने रख रहो और ऐसे ले जाना कि उसकी निद्रा भंग न हो। और महाराज बेताल ने ऐसा ही किया और सूर्योदय के साथ रघुनाथ की निद्रा भंग हुई। तो अपने को सिंह द्वार पर न पाकर एक नए स्थान में देख करके वो चकित हो गया। भक्तों, इस भक्त की और आगे का चरित्र जो है उसकी बात मैं आपको कल फिर सुनाऊंगा। अभी मैं इस भक्त के चरणों में प्रणाम करके विराम कर रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।